देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जिलाधिकारी जनपद कन्नौज को ज्ञापन, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी को बर्खास्त करने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव शरद मिश्रा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देते समय प्रदेश महासचिव शरद मिश्रा ने बताया कि भाजपा सरकार अपने चहेते गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को बचा रही है, जबकि SIT की रिपोर्ट के अनुसार उनके बेटे आशीष मिश्रा ने जानबूझकर किसानों को कुचला था। रिपोर्ट के आधार पर उनके पिता गृह राज्य मंत्री को भारत सरकार तुरंत बर्खास्त करने की कृपा करें तथा सभी किसानों के परिवारों को न्याय मिल सकेगा, नहीं तो किसानों की पार्टी कहीं जाने वाली कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरने के लिए विवश हो जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस जन इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कन्नौज से संवाददाता सिबू सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज का दौरा था आपका, आज जो विशेष कार्यक्रम था उसमें लखीमपुर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसके दरमियान एक घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें 4 किसान कुचल के मार दिए गए, एक पत्रकार भी जिसमें शामिल, कुल 5 लोगों को आरोप ये है और FIR है कि गृह राज्य मंत्री टेनी जी के बेटे द्वारा ये कार्य किया गया। तो वो लोग इसमें कह रहे थे कि नहीं साहब दुर्घटना है ये, तो SIT जो उस पर गठित की गई थी उस SIT ने कल अपनी रिपोर्ट ये दी है कि जानबूझ करके कुचला गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये आज धरना पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर ऑर्गेनाइज किया है। हम मांग कर रहे हैं क्योंकि जानबूझ करके हत्या की गई है, कुचल के मारा गया है किसानों को और एक हमारे सम्मानित पत्रकार को, तो अब अजय मिश्र टेनी को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, तत्काल वो अपना पद छोड़े और हमारी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये डिमांड है, लोकतांत्रिक देश है ये, अगर ऐसे किसी जघन्य अपराध में कोई व्यक्ति शामिल है उसके पिता का गृह राज्य मंत्री जैसी संवेदनशील पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, तत्काल उन्हें बर्खास्त करें। और कांग्रेस पार्टी आज प्रथम धरना इस मामले में दिया है, आगे भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक गृह राज्य मंत्री टेनी अपने पद से नहीं हटाए जाते। 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से 403 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए कमर कस के तैयार है। हमने अपनी घोषणाएं जनता के सामने रख दी हैं। 40% महिलाएं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। हर जो इंटर पास बेटी है उसको स्मार्टफोन दिया जाएगा, ग्रेजुएट बेटी को स्कूटी दी जाएगी। किसानों के लिए हमने अपनी प्रतिज्ञाएं की हैं, 2500 रुपये 2500 रुपये समर्थन मूल्य कांग्रेस देगी धान और गेहूं पर, 400 रुपये कुंटल गन्ना पर देगी इस तरह से, और कर्ज माफ करेगी, कोरोना में मदद करने की बात, इस तरह से मिलाकर काफ़ी प्रतिज्ञाएं हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो अभी धरना भी दे रही हैं उनसे भी हम मिल के आए हैं, उनके लिए भी 10,000 रुपये बांधने की घोषणा कांग्रेस की तरफ से है। इस तरह से हमने अपनी चुनावी रणनीति मैदान में सामने उतार दी है घोषणा पत्र के जरिए से। अभी महिला विधान प्रियंका गांधी जी हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव जी ने घोषित किया है, और भी मसले हम सामने रखेंगे और जनता के बीच जाके इस प्रदेश में एक मजबूत बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी के परचम तले हम बनाएंगे। जनता योगी योगी चिल्ला रही किस लिए है? जनता ने ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज।